जैसे कि आपको पता है टिकटॉक पे एक एम्बुलेंस वाले वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जो एम्बुलेंस मैंगलोर से बेंगलोर की ओर जा रहा है। और कुछ यूजर ने ऐसे वीडियो बनाए हैं टिकटॉक पे जिसमें बताया है कि ये जो एम्बुलेंस जो है जिसे एक्सीडेंट हो गया है, तो क्या ये सच में इसे एक्सीडेंट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, इसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है। तो जैसा कि आपको पता है टिकटॉक पे एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है एम्बुलेंस वाले जिसे बेंगलोर से बेंगलोर की ओर लेके जा रहे हैं, जिसमें एक 40 डे की बेबी है। कुछ लोगों ने वीडियो बनाए हैं और टिकटॉक पे अपलोड किए हैं और यहाँ पे 24 घंटे में 6 से 7 लाख व्यूज आ चुके हैं और मिलियंस में व्यूज आ चुके हैं। और उसमें बताया गया है इस एम्बुलेंस को एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं है, जो भी ऐसा वीडियो बनाया इसने गलत बनाया है, क्योंकि ये वीडियो जो है ऑलरेडी 1 साल पुराना है। यूट्यूब या फिर अदर सोशल मीडिया से डाउनलोड करने के बाद टिकटॉक पे अपलोड कर दिया है सिर्फ लाइक्स एंड व्यूज लाने के लिए। एम्बुलेंस को 3 से 4 घंटे के अंदर में बेंगलोर सही सलामत पहुंचा दिया गया है। इसमें 40 डे की बेबी था जिसे हार्ट ट्रांसप्लांट करना था, जो एम्बुलेंस ड्राइवर का नाम था फर हुसैन। और दोस्तों जो भी इस तरह की गलत वीडियो बना रहे हो तो प्लीज ये सब बनाना बंद करो। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने।